अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सितंबर की है, 23 सितंबर की है और सऊदी अरब में ये नेशनल डे होता है और बहुत ही खुशी से और जोशो खरोश से ये लोग भी अपना नेशनल डे मनाते हैं। तो आज हम भी इंजॉय करने बाहर निकले हैं, तो आप भी साथ चलें और देखें सऊदी अरब की रौनकें। यहाँ पे हर तरफ आपको सब्ज ही लाइट मिलेगी और इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और रोड पे इतना रश था कि बहुत मुश्किल के बाद हम लोग वहाँ तक पहुँच सके। तो जाना तो हमने काफ़ी जगह पे था लेकिन रोड पे ट्रैफिक ही इतनी थी कि हमने सोचा कि जहाँ से गुजर रहे हैं चले यहीं से एंजॉय कर लेते हैं। और बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। काफ़ी लोग, सभी लोग तकरीबन बाहर आए हुए थे, सभी इंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से रोड भी ब्लॉक हो गए थे और जहाँ जहाँ से गुजरे हैं बस हम लोग ग्रीन लाइट्स ही देखते रहे हैं। और ये हाइपर लुलू है और ये देखें कितना खूबसूरत सजा हुआ है, टोटल ग्रीन ही ग्रीन है। यहाँ पे लाइट और कोई नहीं मिलेगी, जिन अमारात पे, जिन मॉल पे आपको ग्रीन ही ग्रीन नज़र आएगा। और रात में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई थी। गाड़ी में रह के हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय किया है, जहाँ जहाँ से रास्ता मिलता था वहाँ से निकल जाते थे कि चलें बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे और हम भी देख लेंगे। अब हम फैसलिया टावर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे सुना था कि वहाँ पे कुछ आतिशबाजी होती है। इस दफ़ा इतनी रौनकें नहीं थी, पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा थी और आतिशबाजी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन अब जाहिर है शहर इतना बड़ा है, कैपिटल है, तो कहाँ कहाँ जाते। हर तरफ तो रोड ब्लॉक थे, सब लोग गाड़ियों में ही थे। तो हमने बच्चों से भी यही बोला कि चलें जो आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, इर्द गिर्द देख रहे हैं, इसी से इंजॉय कर लें। और जब हम फैसलिया टावर के पास पहुँचे तो आमिर भाई ने बोला था आप इधर आएँ, बहुत खूबसूरत यहाँ पे आतिशबाजी होती है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ भी नहीं था, लोग खड़े थे लेकिन किसी ने कहा कि होगी, किसी ने कहा नहीं होगी। बहरहाल आमिर भाई भी खड़े रहे, हम लोग भी खड़े रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये आमिर भाई जो है ना, बस इन्होंने की बातों में आके हमने इधर की दौड़ लगाई। फिर भी गाड़ी हमने साइड पर पार्क की और इधर ही रोड पे खड़े होकर हम लोग गाड़ियों को देखते रहे, बच्चे देखते रहे। और फिर थक हार के आमिर भाई ने बोला चले हम फिर चलते हैं, आतिशबाजी तो होनी नहीं है। और हम एक और फैमिली का यहाँ पे वेट कर रहे थे कि वो आ जाए, तो फिर इकट्ठे यहाँ से निकलते हैं।
ये भाई की गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे थे। रास्ते में ब्रांड की शॉप पे हम खड़े हुए, तो वहाँ पे योमल वतनी की वजह से बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई थी। मैंने विजिट किया शॉप का, तो मुझे शर्ट्स बहुत अच्छी लगी, जो मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे की शर्ट मैंने परचेज़ की यहाँ से। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो शर्ट्स भी दिखाऊंगी। और बच्चे इतने खूबसूरत लग रहे थे, छोटे छोटे से परचम उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे। और ये एक बच्ची जा रही थी इधर, तो मैं इस तरह वीडियो शूट कर रही थी तो देख रही थी, मुझे बाय बाय कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी बच्ची। बच्चे सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, सबने ही अपने परचम के मुताबिक वो ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। बहुत खूबसूरत बच्चे लग रहे थे। किसी ने मुंह पे टैटू बनवाए थे, किसी ने परचम बनवाया था, किसी ने कलर करवाया था। तो हम लोग तो गाड़ी से उतरे ही नहीं हैं, बस गाड़ी में ही हम लोग एंजॉय करते रहे हैं। Thank you.
मेरी बेटी ने कॉफ़ी पी, हम लोगों ने तो नहीं पी थी, तो हम ये पिज़्ज़ा हट आए हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो सारा दिन बस शाम में हम निकले थे और अच्छे से इंजॉय कर लिया, और पिज़्ज़ा हट में आए, पिज़्ज़ा खाया, बहुत अच्छा लगा। भाई भाई मेरे दोस्त इस्पा साथ थी, बच्चे साथ थे मेरे, आप तो डाइट पे थे, बोलो एक दिन के लिए छोड़ दी। और ये पेप्सी किसने पी है? सारी पी ली तो पी लिया, छोड़ दिया कि ट्रांसफर दे हो। हां पी वाला वो पी। क्या क्या खाया? मैंने दो पिज्जे खाए, मैं डाइट पे। और